अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस मेरी वीडियो के टाइटल से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपने किचन के गंदे, ग्रीसी और डर्ट से भरे हुए एग्जॉस्ट फैन को सिर्फ 5 मिनट में चमका सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं, और किस तरह से इसका ये जो प्लास्टिक है येलो कलर में जो हो गया हुआ है, इसे दोबारा से वाइट कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेमेडी है, बहुत ही आसान तरीका है। मेरी इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो करना आपने क्या है, सबसे पहले एक खाली स्पंज ले लें और उसकी मदद से जितना भी डस्ट और डर्ट एग्जॉस्ट फैन के ऊपर लगा हुआ हो उसे अच्छे से साफ़ कर लें। कोई भी ड्राई स्पंज लीजिएगा, गीला स्पंज ना लीजिएगा। अच्छे से इसका डर्ट जो है वो साफ़ कर लें। उसके बाद क्या करना है कि एक खाली पैन ले लें, उसमें पानी डालें और उसे गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दें। जब तक ये पानी बॉयल हो रहा है, आप एक खाली टब ले लें और उसमें सादा पानी ऐड कर लें। अब इस एग्जॉस्ट फैन को साफ़ करने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, सफ़ेद सिरका, ब्लीच और बेकिंग सोडा। ब्लीच ये वही है जो सफ़ेद कपड़ों से दाग उतारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वही सेम ब्लीच इसके लिए यूज़ होगा। अब एक मेजरमेंट कप ले लें और आधा कप सिरका पानी में शामिल कर दें, आधा कप ही ब्लीच का शामिल कर दें और 1/3 कप जो है बेकिंग सोडे का वो शामिल कर लें पानी में, और इसे अच्छे से पानी में मिक्स कर लें और एग्जॉस्ट फैन के जो पार्ट्स हैं सारे वो इस पानी में डिप कर दें और इसे 2 से 3 मिनट के लिए इस पानी में पड़ा रहने दें ताकि इसके ऊपर जितनी भी गंदगी और ये डर्ट वगैरह है वो उतारने में आसानी हो जाए। अब क्या करना है, ये जो पानी बॉयल हो गया है ये गर्म पानी भी इस पानी में शामिल कर दें। इससे क्या होगा कि इस डर्ट को साफ़ करना आसान हो जाएगा। अब एग्जॉस्ट फैन का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये इस टब में डिप नहीं हो सका, तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि एक अलहदा बर्तन में 1 चम्मच बेकिंग जो है वो सोडा और उसमें 1 चम्मच सिरका और ब्लीच ऐड करके एक पुराने ब्रश की मदद से एग्जॉस्ट फैन के इस ऊपर वाले हिस्से पे एक अच्छी सी थिक सी लेयर मैं लगा दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। हाँ, अगर आपके पास कोई इतना बड़ा बर्तन है कि जिसके अंदर ये उसका ऊपर वाला हिस्सा भी पूरा आ जाए, तो आप ऐसा बड़ा बर्तन ले लें और इन सब चीज़ों को उसमें डिप कर दें। तो ये अब मैं अच्छे से एक थिक सी लेयर जो है ये एग्जॉस्ट फैन के इस ऊपर वाले हिस्से पर लगा दूँगी ताकि इसके ऊपर से इस डस्ट को साफ़ करना आसान हो जाए और ये जो इसके प्लास्टिक का कलर येलो सा हो गया है वो भी दोबारा से वाइट हो जाए। तो इसे मैं अच्छे से ये अप्लाई कर रही हूँ एग्जॉस्ट फैन के ऊपर। आप इन्हीं सब स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और देखिएगा, इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर ही आपका एग्जॉस्ट फैन बिल्कुल पहले की तरह नया जैसा हो जाएगा। अब ये 2 से 3 मिनट हो गए हुए थे इसे पानी में डिप किए हुए, अब इसी ब्रश की मदद से इसे अच्छे से साफ़ कर लें। अब ये आपकी अपनी विल पावर पे है, आपके हाथों की ताकत पर है कि आप कितनी ज़ोर आजमाई कर सकते हैं, कितने अच्छे से इस पर ब्रश जो है चला सकते हैं। तो जितने अच्छे से आप इस पर वर्क करेंगे और देखिएगा उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये जो बर्तन धोने वाली तारों वाली ब्रश होती है इसकी मदद से मैंने अच्छे से इसे रगड़ के ये जो साफ़ कर लिया है, ये देखें जैसे जैसे मैं इसको साफ़ कर रही थी तो ये देखिए प्लास्टिक का ये जो हिस्सा ऊपर से इसका ये जो मतलब कलर जो येलो येलो सा हो गया हुआ था, कैसे वो सारा उतर के साफ़ हो गया है और नीचे से सफ़ेद कलर निकल आया है। इसी तरह एग्जॉस्ट फैन के जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। बहुत ही आसान तरीका था, बहुत ही आसानी से ये सारा कुछ साफ़ हो गया। हालांकि साफ़ करने से पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये कितना मुझे मुश्किल होगा, कितना टाइम लगेगा, लेकिन यकीन कीजिए 5 से 10 मिनट में ही एग्जॉस्ट फैन जो है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया। अब इसे हमने सादा पानी से धो लेना है, अच्छे से धो लें और फिर इसको सुखा लें और ये देखिए कैसे
नया जैसा हो गया है, और किस तरह ये जो पहले इसका कलर येलो येलो सा था वो दोबारा से सफ़ेद हो गया है। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि एग्जॉस्ट फैन को साफ़ करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि हमें लग रहा होता है। तो आप लोग भी आज ही इस तरीके को लाजमी आजमाइएगा और अपने एग्जॉस्ट फैन जो है वो साफ़ कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।